दिव्यांग होने का दर्द वही जान सकता है जिसका हाथ पैर नहीं हो, जिनके चेहरे में मुस्कुराहट लाने की कोशिश लायंस क्लब के द्वारा किया गया। दीपावली के अवसर पर इन्हें कृत्रिम हाथ पैर तोहफा स्वरूप दिया गया ताकि वे चल सके और कुछ काम कर सके। हजारीबाग लायंस क्लब, भगवान महावीर विकलांग सहयोग समिति रांची एवं लायंस क्लब ऑफ रांची ईस्ट निरामय के सहयोग से लगभग 100 दिव्यांग लोगों को कृत्रिम हाथ और पैर दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन हजारीबाग विवेकानंद स्कूल सभागार में किया गया। इस अवसर पर लगभग 100 विकलांग लोगों को कृत्रिम अंग दिया गया। वहीं 100 से अधिक वैसे लोग जो सुन नहीं पाते हैं उन्हें सुनने का मशीन भी दिया गया। लायंस क्लब ऑफ हजारीबाग की अध्यक्ष सुधा वर्मा ने कहा कि जब दिव्यांगों को देखते थे कि वह घर में ही रहते हैं और चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाते हैं, ऐसे में हम लोगों ने योजना बनाया और उन्हें कृत्रिम हाथ पैर दिया गया है। दिवाली अब कुछ ही दिनों पर आने वाला है, ऐसे में हम लोग उपहार भी लोगों को देते हैं। ऐसे में सोचा क्यों न उपहार इस बार दिव्यांगों को दिया जाए। हम लोगों का मकसद था कि दीपावली के शुभ अवसर पर उन लोगों को तोहफा दिया जाए, तो उन लोगों को हाथ पैर बन गया है और आज हम लोग उन लोग का लगवा दे रहे हैं। काफ़ी खुशी है उन लोगों को कि हम लोग दीपावली के पहले बहुत ही अच्छा काम हो रहा है उन लोग के लिए, और साथ ही साथ हम लोग कान का मशीन भी बांट रहे हैं ताकि लोग पटाखे की आवाज़ सुन सके और खुशियाँ मना सके, तो वो भी हम लोगों ने बांटा है आज। और मैं आग्रह करूँगी सभी से कि अगर आपको कहीं भी दिखे आसपास वैसे लोग जिनको ज़रूरत है हाथ की, पैर की और कान की मशीन की, तो आप लोग हम लोगों से संपर्क कीजिए। आए दिन हम लोग लगातार ये कैंप लगाएंगे। शिविर में यह बात औसतन देखने को मिली कि जिन व्यक्तियों का हाथ पैर नहीं है इसके पीछे का कारण दुर्घटना है, लापरवाही किसी का भी हो, लेकिन जो दिव्यांग हुए हैं उनका जीवन बड़ा ही कठिन हो गया है। ऐसे में एक दिव्यांग ने बताया कि बचपन में सड़क दुर्घटना में मेरी पैर चली गई, इसके बाद बहुत ही परिश्रम करके मैं आज खुद को स्थापित कर पाया हूँ, आज छोटा मोटा काम कर रहा हूँ। दिवाली के पूर्व लायंस क्लब के द्वारा हम लोगों को कृत्रिम पैर दिया गया, इसके लिए हम सभी उनका आभारी हैं। एक स्कूली छात्रा भी बताती है कि स्कूल जाने के वक्त एक ट्रक ने पैर कुचल दिया जिससे मेरा पैर खराब हो गया और पैर काटना पड़ा, आज मुझे पैर दिया गया है, मैं इन लोगों का आभारी हूँ। मेरे साथ में दुर्घटना हुआ था, स्कूल जा रहे थे उस टाइम एक्सीडेंट हुआ, नस कट गया इसलिए पैर कट गया था, आज दिवाली में मिला तो अच्छा लगा। क्या जॉब करना चाहते हैं, बहुत परेशान और आज आज नहीं था। दसवीं थी वो गाड़ी और वो अचानक हवा से खींचने के बाद मेरा पैर जो है स्लिप करके चक्के तक चला गया और चक्का पर जाने के बाद पैर मेरा वहीं कट गया घुटने से नीचे। तो बाद में जब हमको होश होने लगा तो गांव महल्ले के लोग आने लगे, बोले कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगा, हम लोग सब पूरा करेंगे, लेकिन आजकल कोई करता किसी को नहीं, जो भी कुछ करना है अपने बलबूते करना है। हमने अपने आप में सोच लिए कि हमें यह सहन शक्ति होनी चाहिए कि हमें विकलांग एहसास नहीं, और हमने आज 4-6 फैमिली को लेकर चल रहा हूँ अपने बल। बहुत खुशी मिला मुझे यह दिवाली का शुभ अवसर पर जो मिला मुझे, इससे बहुत खुशी मिला। हमने भगवान से प्रार्थना करता हूँ इन लोगों को और लंबी आयु। वहीं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले शिक्षिका का कहना है कि जब दिव्यांग लोगों को नज़दीक से देखा तो बेहद ही मन दुखी हो गया, कैसे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं यह चुनौती से कम नहीं है। जो व्यक्ति चल नहीं पाते हैं, जिनका एक हाथ नहीं है, उन्हें कृत्रिम अंग दिया गया है, यह सही उपहार है। हम लोगों को भी कोशिश करना चाहिए वैसे ज़रूरतमंदों की मदद करने की जो निःशक्त हैं। वहीं झारखंड प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त पदाधिकारी भी बताते हैं कि लायंस क्लब के द्वारा जो काम किया गया है यह काबिले तारीफ है, हम लोग भविष्य में भी इस तरह का काम करेंगे, इससे लोगों के चेहरे में थोड़ी मुस्कुराहट भी आ पाएगी। सर ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मतलब दिवाली में एक खुशी की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि जो लोग चल नहीं पाते हैं वो लोग को इतना दिक्कत होता है चलने में, हम लोग देखें तो हम लोग को बहुत बुरा लगा देख के, रोंगटा खड़ा हो गया कि कैसे पता नहीं ये लोग इतना दिन से कर रहे होंगे। लेकिन अभी ये लोग जो लायंस क्लब की तरफ से ऑर्गेनाइज हुआ है और हम लोग के कॉलेज में हो रहा है श्री रामकृष्ण शारदा आश्रम में, तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये लोग अब चलते हुए हम लोग देख रहे हैं ये लोग को, तो हम लोग को बहुत खुशी मिल रहा है। किसी की लाइफ में मतलब एक तरीके से दिवाली का लौ चल रहा है। तो लगता है कि अगर कुछ पुण्य कार्य हम लोग कर सकते हैं अपने जीवन काल में तो ये एक वैसा ही कार्य है जिससे कम से कम 40-50 आदमी को हम लोग आगे जन्म दे रहे हैं, और शायद इससे बड़ा सुकून कुछ नहीं हो सकता है। और दीपावली के समय ये मान के चलिए कि त्यौहार का उपहार है। दिव्यांगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए दीपावली के पूर्व उन्हें जो तोहफा दिया गया है ये अच्छा संदेश समाज को देता है। जरूरत है हर एक व्यक्ति को जो सक्षम है वो आगे बढ़कर ऐसे लोगों की मदद करे। गौरव प्रकाश, ईटीवी भारत।
हजारीबाग।